नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्र आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा लूसेंट स्टेज का पार्ट 16 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ गुलेटिन। गुलेटिन सिटी के नाम से कौन से सिटी को जानते हैं? तो गुलेटिन का मतलब होता है बहुत खाने वाले लोग, जो हमेशा खाते ही रहते हैं, कह सकते हैं पेटू। तो हमने पहले भी देखा था एक क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड थी, तो वो सिटी थी इंदौर। इंदौर सिटी को हम किस नाम से जानते हैं? गुलेटिन शहर के नाम से जानते हैं, और इसका मतलब होता है जो हमेशा खाते ही रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहेंगे, पेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रोलॉग पुरस्कार जो है वो किससे संबंधित है? ब्रोलॉग पुरस्कार जो है ये कृषि से संबंधित है। जब कृषि के लिए कोई अच्छी सी कोई चीज जिससे कि कृषि में अधिक बढ़ोतरी की जाए उसके लिए रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च में जो कोई अच्छा रिसर्च करता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी बोन्स इन ह्यूमन हेड? मानव के जो सर हैं उस सर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के सर में कुल 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड संस्कृत डे ऑन व्हिच डे? विश्व संस्कृत दिवस जो है हम किस दिन को मनाते हैं? तो विश्व संस्कृत दिवस जो है हमने 2020 में जो मनाया है वो 3 अगस्त को मनाया है 2020 में, और जो 2021 में मनाएंगे वो हम मनाएंगे कब? वो हम मनाएंगे 22 अगस्त को। तो ये जो है कोई फिक्स डेट नहीं है, हर साल अलग अलग डेट पे मनाते हैं। तो 2020 में मनाए थे 3 अगस्त को और 2021 में मनाएंगे 22 अगस्त को। तो बस फर्स्ट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का याद रखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम किस दिन मनाते हैं? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम 9 जनवरी को मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये किस वर्ष सर्वप्रथम दिया गया था? तो ये दिया गया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज अ कैपिटल ऑफ कॉटन क्लॉथ? सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी शहर को कहा जाता है? तो मुंबई जो है इसके लिए बहुत ही फेमस है। मुंबई की को सूती कपड़ों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे भारत के वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 11 नवम्बर को हुआ था। कब हुआ था? 11 नवम्बर को। और 11 नवंबर को हर वर्ष हम किस रूप में मनाते हैं? तो मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्रिकेटर हु स्कोर डबल सेंचुरी इन ओडीआई? पहला कौन सा क्रिकेटर है जिसने ओडीआई वनडे के मैच में 50-50 ओवर के मैच में जो है वो 2 शतक लगाए थे? तो वो है सचिन तेंदुलकर जी ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 शतक लगाया था। कब? 2010 में लगाया था। किसके खिलाफ लगाया था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन लिमिट ऑफ कबड्डी मैच? कबड्डी मैच में जो है समय सीमा की अवधि कितनी होती है? तो कबड्डी मैच 40 मिनट का होता है, पहला हाफ 20 मिनट का, फर्स्ट हाफ एंड 5 मिनट का इंटरवल होता है, फिर सेकेंड हाफ होता है 20 मिनट का। तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना है? 40 मिनट्स। विंबलडन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? विंबलडन ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये किस खेल से संबंधित है? ये है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन। विच इज द लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो वो है
इंदिरा गांधी स्टेडियम ये है कहाँ पे? ये है न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कोपा अमेरिका कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिया इज नोन एज? भारत की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है वो कैसा होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम व्हाइट पेपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। कौन है? ब्राजील। और ब्राजील विश्व में सबसे बड़ी कितने नंबर की कंट्री है? तो यह फिफ्थ है, फिफ्थ सबसे बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। इन विच ईयर दिल्ली हाईकोर्ट वॉज एस्टेब्लिश? दिल्ली हाईकोर्ट जो है किस साल स्थापित किए गए थे? दिल्ली हाईकोर्ट जो है 1966 में दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ लखनऊ? लखनऊ का जो पुराना नाम है वो क्या है? लखनऊ का पुराना नाम किस नाम से जानते हैं? तो लखनऊ का पुराना नाम जो है वो है लखनौटी, लखनौटी या तो लक्ष्मणपुर, या तो लखनौटी कहेंगे या लक्ष्मण, लक्ष्मणपुर, इन दो नाम से हम जानते हैं लखनऊ का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंड ऑल थ्री राउंड टेबल समिट? तीनों ही ऑल राउंड समिट, कुल तीन राउंड सबमिट हुए थी, जिनमें से कौन सा ऐसा राउंड सब कौन ऐसे हैं जो तीनों ही राउंड सबमिट में भाग लिए थे? तो वो हैं भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जो है तीनों ही राउंड टेबल सबमिट में शामिल हुए थे। इन इंडिया वन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन विच ईयर? भारत जो है गोल्ड मेडल हॉकी में जो है ओलंपिक के किस साल में जीता था? तो वो जीते थे 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? सिल्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एग्रीकल्चर साइंस सेंटर इज इन? पहला एग्रीकल्चर साइंस सेंटर जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो वह है पोंडुचेरी। पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? प्योर वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल इज रिटन बाय होम? इंडियन स्ट्रगल नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो यह है गोल्फ से, गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉल यूज इन डेटा ट्रांसफर? डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो डेटा ट्रांसफर के लिए हम एफटीपी का प्रयोग करते हैं। एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का यूज कहां करते हैं? इंटरनेट में। एसएमटीपी किस लिए यूज किया जाता है? एसएमटीपी जो है ईमेल भेजने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए एसएमटीपी का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली क्लास में पार्ट नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।